Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better. So hey guys, welcome to my new vlog. So aaj ke is vlog mein aaye hain Mumbai ke ek museum mein jiska naam hai छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु म्यूज़ियम, जो कि काफ़ी फेमस है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो म्यूज़ियम है, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के स्पेसिमेन को लगाए गए हैं, लेकिन मैं केवल आपको एनिमल के स्पेसिमेन दिखाऊंगा, बाकी के स्पेसिमेन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सभी का वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो कैसे चलता आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू कि किस प्रकार से इसको अंदर म्यूज़ियम के अंदर सभी स्पेसिमेन को लगाया गया है। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम को क्यों बनाया जाता है। म्यूज़ियम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो नई नई जनरेशन आती है वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे पुराने जीव जो होते हैं धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, अरे तो उनको देखने के लिए ये म्यूज़ियम को बनाया जाता है, ताकि वो देख सकते हैं कि पुराने एनिमल किस प्रकार के थे। जैसे हम म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करेंगे, देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो वैसे ये अंदर का व्यू है। तो वैसे चलते आपको दिखाते हैं जितने भी एनिमल हैं, एनिमल के स्पेसिमेन सभी का आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस, खाली मैं म्यूज़ियम के अंदर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ इसका व्यू, और मैं भी कम्प्लीटली आपको दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा गॉट यानी बकरी और बकरे, और इस साइड में भी कुछ इनका व्यू दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से गाँव के अंदर गाय या बैल जिस सोसाइटी में होते हैं, यहाँ पर सेम उसी प्रकार से इसके अंदर स्पेसिमेन को लगाया गया है। सेम कैटेगरी है भाई इस स्पेसिमेन का। कल चलते आपको दिखाते हैं अगला व्यू। यहाँ पर भी गैस देख सकते हैं कि ये बंदर के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज लगाए गए हैं इस साइड में भी, और गैस इस साइड में देख सकते हैं ये बीच में एक बर्ड लगाया गया है, और बाकी चारों तरफ हिरन है, और बाकी डिफरेंट इसके बीच बीच में डिफरेंट टाइप के प्लांट लगाए गए हैं। देख सकते हैं जितने भी चूहे के वेराइटी होते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, और इस साइड में देख सकते हैं ऊपर कुछ ऐसे जैसे गिलहरी हो गई या फिर अलग कैटेगरी के मूस हो गई, वो क्या करते हैं कि प्लांट पर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर इनका स्पेसिमेन लगाया गया है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी छोटे साइज के एनिमल होते हैं जो हमेशा प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनका यहाँ पर स्पेसिमेन लगाया गया है। और ऊपर देख सकते हैं ये है बारह सिंघा, जो कि काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और इस साइड में गाइस ये खरगोश की वैरायटी है, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है व्हेल मछली की स्पेसिमेन। और गाइस जिस प्रकार से देखते हैं कि जो गन्ने की खेती होती है ना, गन्ने की खेती में जिस प्रकार से गैडे होते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर लगाए गए हैं, देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार से व्यू। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है बियर, बियर की यहाँ पर स्पेसिमेन लगाए गए हैं तमाम वैरायटी के, यानी जिस प्रकार से बियर जितने भी एनिमल यहाँ पर लगाए गए हैं, जिस प्रकार से उनके करेक्टर होते हैं, सेम टू सेम उसी करेक्टर के अनुसार इनको इधर बैठा दें। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्पेसिमेन के अंदर जो भेड़िए होते हैं उनका स्पेसिमेन लगाया गया है, देख सकते हैं जिस काफ़ी सेम टू सेम ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेम बर्ड को ये पकड़ा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है टाइगर, कुछ इस प्रकार से इसके व्यू दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है गाइस ये रियल है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल के बोन स्पेशल लगाए गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो बर्ड होते हैं या फिर छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनका ये बोन लगाया गया है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। क्या होता है कि जो एनिमल एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होने के बाद कुछ उनका इस प्रकार से व्यू दिखाई पड़ता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड में जितनी भी मछली के स्पीशीज होती हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। और गाइस इनमें से मैं कुछ मछली का नाम भी जानता हूँ, इस मछली का नाम है स्केलेडॉन यानी डॉग फिश, इसका नाम है भाई, और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है। और यहाँ पर ये एक मछली आ गई जिसका नाम है तारपीडो, इस मछली का नाम भाई काफ़ी लोग जानते होंगे, जिसका नाम है तारपीडो। और यहाँ पर भी गाइस देख सकते हैं डिफरेंट मछली के यहाँ पर व्यू लगाए गए हैं।
और काफ़ी सुंदर भाई अंदर दिखाई पड़ रहा है इस ग्लास के अंदर। ये देख सकते हैं, ये है रोहू, इसका नाम तो जान ही गया भाई। भाई ये जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये है मंगूर, यानी मांगूर इसको बोलते हैं। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है क्रोकोडाइल का व्यू, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये है क्रोकोडाइल, काफ़ी अच्छा भाई इसका स्पेसमेंट लगाया गया है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समुद्र की मछलियाँ होती है यहाँ पर इनको उनका स्पेसमेंट लगाया गया है। और यहाँ पर कह सकते हैं नीचे का व्यू जिस प्रकार से समुद्र के अंदर होता है सेम टू सेम यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे गए डिफरेंट प्रकार की एल्गी यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और गए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्नेक के बोन लगाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी स्नेक के डिफरेंट स्पीसीज हैं, और ऊपर के साइड में भी ये स्नेक के डिफरेंट स्पीसीज लगाए गए हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रकार के बटरफ्लाई लगाए गए हैं इस ग्लास के अंदर। और गाइस इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जितने भी केकड़े होते हैं इनका केकड़े का व्यू इसके अंदर लगाया गया है। और गाइस यहाँ पर देख सकती हैं ये स्नेक का व्यू दिखाया गया है, जिस प्रकार से रियल स्नेक होता है सेम टू सेम इसके अंदर लगाया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज के स्नेक लगाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्नेक क्या क्या है कि चूहे को पकड़ा हुआ है। और ये इसका स्पेसिमेन है, ये रियल में जिससे क्या होता है कि जो समुद्र होते हैं उस प्रकार के यहाँ पर स्नेक लगाए गए हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है खचुआ, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन इसको काफ़ी लार्ज साइज में इसको बनाया गया है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छिपकली की वैरायटी होती है यहाँ पर इनको लगाया गया है, जितने भी डिफरेंट ये गिरगिट्टे का व्यू लगाया गया है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है, इसको बोलते हैं गांव की भाषा में गोह, ये गोह की स्पीसीज है, यहाँ पर इसके अंडे को शो कर रहा है। और ये अंदर का व्यू, गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये है गिरगिट्टे की व्यू, जो कि जिसको सेम टू सेम रियल में होता है वैसे इसको दिखाया गया है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस म्यूजियम के अंदर सबसे बड़ी स्पेसिमेन यही है, जो कि एक बहुत बड़ी व्हेल मछली है। और ये गाइस देख सकते हैं कि ये इसका नाम शायद हाइला है, जो कि प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि जो बरसात के टाइम निकलते हैं ये सभी सुराग हैं। आगे देख सकते हैं जैसे पानी में होते हैं सेम टू सेम इस प्रकार के, इस प्रकार का स्पेसिमेन लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट प्रकार के टर्टाइल्स यानी खचुए को लगाया गया है इसके स्पीसीज को। और यहाँ पर भी नीचे की व्यू में भी जो पानी के अंदर होते हैं खचुए उनका भी इस प्रकार से लगाया गया है। और जो क्या होते हैं कि जो जंगल टाइप के होते हैं खचुए वहाँ पर उनको लगाया गया है। गाइस यहाँ पर खचुए जंगलों टाइप होते हैं इनको यहाँ पर लगाया गया है। और गाइस ये लाइन का जो लाइन होते हैं शेर होते हैं ये उनका व्यू इधर दिखाया गया है, जो कि जैसे लगता है कि रियल में जैसे टाइगर पानी पीता है सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते चारों तरफ में कुछ यहाँ पर कुछ स्पेसिमेन लगाए गए हैं कई पंछी के। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्मॉल साइज के बर्ड की बर्ड होती है वहाँ पर इनका स्पेसिमेन लगाया गया है। और इस साइड में देख सकते हैं कि जो पंछी होती हैं बांस के अंदर वो इनका दिखाया गया है व्यू। और इस साइड में भी जो छोटे साइज से बड़े साइज की पंछी होती है इनका व्यू लगाया गया है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में जो बर्ड अपना एग देती हैं घोंसले के अंदर, यहाँ पर देख सकते हैं सेम रियल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये स्पेसिमेन है। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं कि कुछ पंछी ऐसे होते हैं कि जो इस प्रकार की घोंसला लगाती हैं, स्पेसिमेन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी आउल यानी उल्लू के हैं और अलग अलग स्पीसीज के हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उनके बच्चे भी दिखाए गए हैं। और इस साइड में अलग अलग ये देख सकते हैं गाइस ये कबूतर का व्यू है नीचे साइड में, और ऊपर भी कुछ कबूतर के व्यू दिखाए गए हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस कुछ इस प्रकार के व्यू हैं। और ये फाइनली बाज है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी लार्ज साइज के बर्ड होते हैं सब इस कैटेगरी में लगाए गए हैं, इस वाले ग्लास में लगाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से प्लांट के अंदर क्या होता है बीच में होल होता है वहाँ पर ये सभी बर्ड इसको स्पेसिमेन को लगाए गए हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी ये पूरा हॉल है इस हॉल के अंदर जितने भी बर्ड की स्पीसीज हैं सभी इसको यहाँ पर लगाए गए हैं।
तो गाइस म्यूजियम के अंदर जितने भी एनिमल के स्पेसिमेंट थे मैंने आपको कम्प्लीटली दिखा दिया, और इस म्यूजियम के अंदर और काफ़ी कुछ भी है, लेकिन अगर मैं इसका ब्लॉग बनाऊँ तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते गए इस नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।